विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इस प्रकार का हो अल्लाह जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और राज्य के दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है। किसानी का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है, और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं वो NDRF और SDRF के तहत कवर होते हैं। महाराष्ट्र में जब कैलेमिटी आई तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिला, और महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद जो ज्ञापन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयीन समिति बनाई, उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया, और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की। अनुशंसा करने के बाद जब वो गृह मंत्री जी के पास आती है तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 2021 खरीफ और रबी 2021 के दौरान महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसान ने अपना दावा प्रस्तुत किया, और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आज की कार्य सूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए, इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो अल्लाह जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो।